35 साल से हमारा भरोसा इनके साथ है, हमारी मोहब्बत इनके साथ है, हमारा प्यार इनके साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। 35 साल से संभाले हैं और आगे भी संभालेंगे 100 सालों तक। हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इसके लिए चल के वोट मांगे, लोगों से जुड़े हुए, लोगों से प्यार करते हैं, इसीलिए इनके घर पे जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। वो 35 साल से वोट नहीं मांग रहे, 35 साल से आशीर्वाद ले रहे। पानी तो है, रोड भी है, अब उनको क्या दिखता है मालूम। तो परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हमारे लिए तो है ही है, पानी तो पानी है और लाइट बिजली यही चाहिए ना। तो व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, पार्टी में परिवर्तन नहीं चाहिए। किसको वोट देंगे आप? सिटी को ही, बहुजन विकास आघाड़ी। एक मौका किसी और पक्ष को भी दे दीजिए, 35 साल से एक ही सत्ता चल रही है। नहीं, भरोसा नहीं किसी और करके देखिए एक बार, नहीं कर सकते। एक ही भरोसा, एक ही भरोसा। कमल नहीं, सिटी। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। इस वक्त हम नाला सुपारा पश्चिम के नीलेमोरी गांव में उपस्थित हैं। आज बहुजन विकास अघाड़ी की डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। यहाँ पर युवा आमदार क्षितिज ठाकुर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी पार्टी के लोग मैदान पर उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर नीलेमोरी गांव के स्थानिक है, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी है, इसमें शरीक। बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर और क्या कुछ कहना है, किसे वोट देंगे और साथ ही क्यों वोट देंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे, क्यों आप लोग बहुजन विकास अघाड़ी के समर्थक हैं? 35 साल से हमारा भरोसा इनके साथ है, हमारी मोहब्बत इनके साथ है, हमारा प्यार इनके साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। रियासत 35 साल से संभाले हैं और आगे भी संभालेंगे 100 सालों तक। अच्छा, आप कह रहे हैं आप 35 सालों से इनके साथ में हैं और 35 सालों से ये लगातार जीत कर भी आ रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी से। चाहे विधायक हितेंद्र ठाकुर की बात की जाए और क्षितिज ठाकुर भी लगातार जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष कहता है कि अगर वो 35 सालों से जीत कर आ रहे हैं तो उन्हें लोगों के बीच में चलने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इसके लिए चल के वोट मांगे, लोगों से जुड़े हुए, लोगों से प्यार करते हैं, इसीलिए इनके घर पे जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। वो 35 साल से वोट नहीं मांग रहे, 35 साल से आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों के पास जाके विजय तिलक लगा रहे हैं, आपने फुटेज में कवर किया होगा। ये 35 सालों से अपने बुजुर्गों का, अपने एक समर्थ वालों का, लोगों का लगाव है, जुड़ाव है, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे कि आप कवर कर सकते हैं पीछे पीछे देखिए, और लोगों से बात करें। आप देखिए यहाँ पर युवा आमदार क्षितिज ठाकुर आप पहुंचे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत लोगों से मुलाकात जारी है और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। हो गया, क्या कहेंगे आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ बोलिए, यहाँ के स्थानीय हैं। विकास पर क्या कहेंगे आप, कितना विकास हुआ है? क्या सभी का हो रहा है? अभी कर रहे हैं, थोड़ा उन लोग काम चालू है कर रहे हैं, अभी अभी आगे भी कर रहे चाहिए, थोड़ा पानी मिलता तभी उसमें थोड़ा पानी भरते, उसमें सभी इधर का भी करने हैं, आगे के क्या हो रहा है कर रहे हैं हम लोगों पर है। तो इस बार मौका है, किसको वोट देंगे? मैदान में त्रिकोणीय लड़ाई है, बहुजन विकास अघाड़ी है, राजन नाइक है बीजेपी से और भी कैंडिडेट्स है। देखो अपन बोल नहीं सकते, सबका देखो अपना अपना ही है। आप क्या कहेंगे? सिटी को, सिटी, सिटी को क्यों? वो डेवलपमेंट कर रहा है इसलिए। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। विपक्ष कहता है पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। पानी तो है, रोड भी है, अब उनको क्या दिखता है मालूम। अच्छा, जो आप तो दिख रहे हैं ना, तो फिर उनको दिखता नहीं है विपक्ष को, उनका लुकआउट है। अच्छा, आप क्या कहेंगे चाचा, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ से दस साल, 10 साल से रह रहे हैं। किस तरह की असुविधा हुई या सुविधा हुई क्या? बेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया। सड़क भी सही है, आप देख ही रहे हो। अरे विपक्ष के पास सड़क नहीं है, विपक्ष पे बोलने का काम है उसका, बोलेगा 35 साल से एक ही सत्ता है। देखो विपक्ष का काम बोलना ही होता है ना, विपक्ष नहीं रहेगा तो बोलेगा कौन? विपक्ष कहते हैं कि इस बार परिवर्तन चाहिए लोगों को, आप लोगों को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन हमारे लिए तो है ही है, पानी तो पानी है और लाइट बिजली यही चाहिए ना। तो व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, पार्टी में परिवर्तन नहीं चाहिए। पार्टी में जब दे रहे हैं सब कुछ तो आप कौन सा परिवर्तन चाहिए? अच्छा, और लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि युवा की क्या मांग है। लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए, विपक्ष बराबर कह रहा है लगातार, तो बात करते हैं युवा की क्या राय है, क्या कहेंगे आप? यूथ है यहाँ पर नीलेमोरी के स्थानिक है, के रूप में हमारे दर क्षितिज ठाकुर जी ही चाहिए। आप स्थानिक है यहाँ? हाँ स्थानिक। एज क्या है आपकी, वोटर है? 19 है। अच्छा, तो क्या कहेंगे आपको यहाँ पर विकास क्या दिखाई देता है? कोई लोग बोल रहे हो बस बहकावे में आके बोल रहे हैं सब कुछ, हमारे यहाँ बराबर विकास हो रहा है, बराबर सब सुविधा प्रोवाइड हो रही है, पानी बराबर आ रहा है, पानी नहीं आता था पानी बराबर आ रहा है, रोड बराबर बन रहे, गटर लाइन हो रही है, सब बराबर हो रहा है।
कोई किसी के भी बहकावे में जाओ मत, हमारे इधर बराबर सब काम चल रहा है। तो किसको वोट देंगे आप? सिटी को ही, बहुजन विकास आघाड़ी। एक आध मौका किसी और पक्ष को भी दे दीजिए, 35 साल से एक ही सत्ता चल रही है। नहीं, भरोसा नहीं किसी और पक्ष, भरोसा नहीं है, नहीं है। अरे करके देखिए एक बार। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, भरोसा करेंगे ही नहीं, एक ही भरोसा, एक ही भरोसा। कमल नहीं, सिटी, सिटी पक्का, बहुजन विकास आघाड़ी। कितने परसेंट आप बोल रहे हैं जीत होगी? 100% जीत होगी। अच्छा, तो आप समझ पा रहे हैं लोगों की भावनाएं? नीले मोरे में लोगों से बातचीत हमने की, साफ तौर पर कहना है कि हमें सिटी ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, किसी और पर हम विश्वास नहीं करना चाहते। और इस बार सिर्फ और सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार होगी।